नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बीड ऑफ मास स्मॉल एम स्टेज एट अ पॉइंट पी ए कॉमा बी इन अ वायर इन अ वायर बैंड इन द शेप ऑफ अ पैराबोला वाई इज यूल टू फोर सी एक्स स्क्वायर एंड रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा सी फिगर सवाल है वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या होएगी वो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं वो बताना है और ये भी कहा है कि वी कैन नेग्लेक्ट फ्रिक्शन और सवाल आसान है स्नैरियो uh, ये है कि यह आपकी एक वायर है जिसको आपने पैराबोलिक शेप में बैंड कर रखा है और ये वायर ऐसे करके ओमेगा uh, उससे घूम रही है राइट right. यहाँ पे आपकी एक बीड है और ये बीड फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे तो इस बीड को अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस यहाँ से आर है तो इसके ऊपर एक बाहर की तरफ एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीप्यूटल फोर्स लग रहा होगा और एक इसका नहीं सेंट्रीफ्यूगल और इसके फ्रेम में आप बात कर रहे हैं इसकी तरफ से लाइट और नीचे आपका यहाँ पर एम जी ए फोर्स लग रहा है ठीक है सो मान लीजिए इस एंगल को अगर आप थीटा कह देते हैं अरेट ये अगर आपका एंगल थीटा है सो so, इसके परपेंडिकुलर इधर आपका एक नॉर्मल फोर्स आएगा तो इसको अगर देखेंगे सो so, एम का अगर अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो इसको ऐसे करके लेके आए ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल फिर थीटा होएगा सो so, एम का जो ये वाला कंपोनेंट है वो आपके नॉर्मल को बैलेंस करेगा और इसका जो ये कंपोनेंट है सो so, इस वाले केस में एम का जो इसके अलाउ कम्पोनेंट है सो दिस विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा जो है uh, जो आपका ये वाला कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा वो आपके इस वाले कंपोनेंट को यहाँ पे बैलेंस करेगा जो इधर आएगा दैट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉ सीटा सो दिस विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस सीटा बस सवाल सॉल्व हो गया ये ठीक है सो एम विल गेट कैंसल्ड हमें ओमेगा की वैल्यू बतानी है विच एम्प्लाइज ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम uh, कैंसल हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा नाउ इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू जी बाय आर टेन थीटा नाउ यहाँ पे लोग कहते हैं थीटा की वैल्यू बिकॉज uh, जैसे जैसे हम आगे पीछे पॉइंट uh, उसमें जाएंगे थीटा की अपनी वैल्यू वेरी uh, करेगी वहाँ पे अपने को मदद करेगा ये इक्वेशन y इज इक्वल टू फोर सी एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है टेन थीटा किसी भी जगह पे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और जब हम इसको डिफ्रेंशियट करेंगे विच एम्प्लाईज़ आपका जो टेन थीटा आएगा टेन थीटा विल बी इक्वल टू इसको डिफरेंशियट करेंगे सो ये एट सी एक्स एट सी एक्स वैल्यू आ, आ जाएगी और यहाँ पे क्योंकि हम आर लिख रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू एट सी आर ये वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू बस यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं विच एम्प्लाइज़ आपका ओमेगा स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू जी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई एट सी आर विच एम्प्लाइज आपकी ओमेगा की जो वैल्यू आ गई दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एट सी जी आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर टू है इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं टू रूट टू सी जी आपकी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ठीक है सो विच मीन्स आपका ऑप्शन टू वुड बी द राइट आंसर